हाय आज मैं आपके सामने मेबलिन न्यूयॉर्क का एज रिवाइंड कंसीलर का रिव्यू कर रही हूँ जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी मेबलिन uh, का ये मैंने इनके आउटलेट से ख़रीदा है कंसीलर और प्लस इसमें लिखा है कंसीलर प्लस ट्रीटमेंट है विस इंस्टेंट इरेज करता है आपके डार्क सर्कल फाइन लाइन मतलब इसको लगाने के बाद आपका इंस्टेंटली नज़र आएगा कि आपके डार्क सर्कल नहीं दिख रहे हैं और आपकी फाइन लाइन जो आंखों के आसपास हो जाती है माउथ के आसपास हो जाती है वो विजिबल नहीं होंगी और विजिबल डायमेंशन पफीनेस जो भी आपकी सूजन रहती है आँखों के आसपास वो थोड़ी हद तक ये कम करेगा आ, ये कंसीलर है कंसील मेकअप मेकअप में किया जाता है आप चाहें फाउंडेशन के बाद कंसीलर यूज़ करें या फाउंडेशन के पहले कंसीलर यूज़ करें इसको हाइड करना रहता है आपके डार्क सर्कल और आपके काले घेरे हो जाते हैं और लाइनें आपके चेहरे में दिख रही हैं तो उनके लिए होता है ये और मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है सिक्स पॉइंट ज़ीरो एम का है ये और ये इसकी आउटर पैकेजिंग है और मैं इसकी प्राइस है सिक्स फिफ्टी रुपीज़ और मेरे को वहाँ पे सिक्स फिफ्टी रुपीज़ ही में मिला था और मैंने जो शेड लिया है वो न्यूटलाइज़र है इसका शेड नेम है न्यूटलाइज़र और सिक्स फिफ्टी में मैंने इसको लिया था और इसकी डेट है जो यूज़ करने की ये ये दो हज़ार अठारह से लेके दो हज़ार इक्कीस तक है जो काफ़ी लॉन्ग पीरियड है है डेट दे, यूज़ करने की इसमें इसमें डायरेक्शन यूज़ भी बताया है कि ये इसको आपको कैसे यूज़ करना है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने डार्क सर्कल में है यह न्यूट्रिलाइज़र शेड है अंडर अर्थ है कंसीलर शेड है या फिर आपको जहाँ जहाँ आपको ब्राइटनेस चाहिए ज़्यादा जैसे नोज और चीक एरिया हाई पॉइंट ऑफ चिक एरिया में आपको अगर ब्राउ बोन ब्रिज ऑफ नोज और आ, इनर कॉर्नर ऑफ आईज इन इन सब चीज़ें में आपको अगर आ, वहाँ पे ज़्यादा मतलब ब्राइटनेस चाहिए ज़्यादा गोरा चाहिए तो आप कंसीलर यूज़ करते हैं या फिर आप अपने डार्क सर्कल या लाइन्स छुपाने के लिए कंसीलर यूज़ कर सकते हैं दोनों तरीक़ों से आप कंसीलर यूज़ कर सकते हैं ये रेडियंट लुक देता है रिफ्रेश करता है और इसमें यूज़ करने का तरीका भी दिया हुआ है कि अंडर आई एरिया में आ, आप आउटवर्ड मोशन में लगाइए अप्लाई मोर ट्विस्ट आप ट्विस्ट करके इसको प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं और आप इसको लगा सकते हैं ये शेड मैंने लिया है न्यूट्रिलाइज़र आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ये मैंशन है न्यूट्रिलाइज़र शेड है और मेन पैकेजिंग की बात करते हैं ये छोटी सी टाइनी सी बॉटल आती है ये सिक्स पॉइंट जीरो एम एल की है आपको इतना ही प्रोडक्ट मिलेगा छोटी टाइनी सी है प्लास्टिक बॉटल है, है।, है, है और ट्रैवल फ्रेंडली है इसमें लिखा है इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेज डार्क सर्कल ट्रीटमेंट कंसीलर है ये और न मेबलिन फिटमी का प्रोडक्ट है और ये इसकी कैप है जो भी ये प्लास्टिक है ये पफ है स्पंज uh, जैसा है एक स्पंज आपको मिलेगा और आपको इसको यहाँ से ऐसे ये ट्विट, ट्विस्ट करना है तो आपको आ, ये आपको आवाज़ आ रही होगी टिक टिक की तो यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ से आता है ऊपर आता है और आपको इसको ऐसे लगाना है ऐसे आपको जहाँ पे भी हाईलाइट करना है अपने डार्क सर्कल छुपाना है तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं आप इससे भी लगा सकते हैं पर उतनी अच्छी फिनिश नहीं मिलेगी क्योंकि ये थोड़ा टूटने का डर रहता है क्योंकि ये बहुत ही फ्लफी पफ है आप इससे भी लगा सकते हैं पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप या तो ब्लूटी बैंडर से लगाएं या आप हाथ से ही डैप 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 करें तो ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है आप डैब डैप करने से ही उसकी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी आप ये देखिए हाइलाइटिंग लाइटिंग के लिए ये शेड बहुत अच्छा है वाइटिश जिनकी गोरे हैं जो वाइट अंडर टोन के हैं जो पिंक अंडर टोन के हैं और या जो येलो अंडर टोन के हैं उनके लिए भी ये हाईलाइटिंग पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा कंसीलर है आप इससे हाईलाइट भी कर सकते हैं अपने नोज़ ऑफ द ब्रिज नाक के ऊपर और अपने चीक हाई पाइं हाई पाइंट में जिसको आपको हाईलाइट करना है कि हाँ इधर ज़्यादा गोरा दिखाना है जिस पॉइंट को आप उसमें ये हाईलाइट कर सकते हैं आप देख सकते हैं ये कितना अच्छी फिनिशिंग दिया है इस कंसीलर ने और बहुत ही नॉन स्टिकी आप इसको आ, आ, कंसीलर के बाद आप इसको पाउडर से सेट से कर दीजिए क्योंकि कंसीलर करने के बाद आप पाउडर से सेट से करना ज़रूरी रहता है और ये शेड जो है ये न्यूट्रलाइजर है तो ये सारे स्किन टोन के लिए सीटेबल है अगर हाईलाइट पॉइंट अगर आपको हाईलाइट करना है अपने पॉइंट को और आपको अगर डार्क सर्कल की दिक्कत है या आपके लाइंस की आ रहे हैं लाइंस दिख रहे हैं तो भी ये बहुत अच्छा काम करेगा और आपका दस से बारह घंटे तक आपका होल्ड रखेगा मेकअप अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एक लाइक दे थैंक यू